नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट देखते हैं हम लोग RL सर्किट, कि R और L को अगर हम लोग सीरीज में लगा दे तो क्या होगा। R और L को मैंने सीरीज में लगा के एक एक्साइटेशन क्या दे दिया, वोल्टेज सोर्स V of t इक्वल टू Vm cos ओमेगा t का एक्साइटेशन दे दिया। अब हम जानते हैं कि R क्या है, ओमिक वैल्यू है, L तो हेनरी में होता है बट उसका ओमिक वैल्यू क्या होता है, जे एक्सएल। अभी हम लोगों ने प्रीवियस केस में जब इंडक्टर पढ़ा था तब निकाला, तो हम लोगों ने वहां पे क्या पुट कर दिया, जे एक्सएल पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि सपोज करो यहां से कोई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, और इनके अक्रॉस अगर मुझे पोलरिटी लिखना पड़े तो क्या होगा, इनके अक्रॉस पोलरिटी लिखना पड़े, आई करंट जा रहा है तो प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, वी आर, और यहां पे क्या हो जाएगा, वी एल। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या मैं अगर इस टोटल वोल्टेज को अगर मैं वी मान लूं, यहां पे टोटल वोल्टेज वी मान लूं, तो वी इज द समेशन ऑफ दिस, अरे बस समझ में, मतलब ये टोटल वोल्टेज है, ये किसके बराबर है, इन दोनों के अक्रॉस जितना ड्रॉप हुआ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कैपिटल वी वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर। अरे बस समझ में, ऐसी है, इस वजह से यहां पे अरिथमेटिक प्रोडक्ट नहीं होकर क्या होगा, वेक्टोरिकल प्रोडक्ट होगा। आरी बात समझ में, अरिथमेटिक नहीं होगा, वेक्टोरिकल प्रोडक्ट होगा। तो मैंने वेक्टर के फॉर्म में अभी लिख दिए, प्रोडक्ट मतलब एडिशन, ठीक है, सॉरी एडिशन। तो एडिशन जो भी होगा वेक्टोरिकल एडिशन होगा, वहां अरिथमेटिक होता है। डीसी में क्या होता है, डायरेक्टली 2+4 एड कर देते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां वेक्टोरिकली एडिशन होगा। तो आगे चले, तो अगर मैं वी इक्वल टू एज इट इज लिखे रहने दूं और यहां पर क्या पुट कर दूं, अगर मैं VR को लिखूं तो कितना लिख सकता हूं, मैं VR को I into R लिख सकता हूं, I into R प्लस VL को क्या लिख सकते हैं हम लोग, VL को हम क्या लिख सकते हैं, I into jXL लिख सकते हैं। I भी क्या हो जाएगा, वेक्टोरिकल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं, करंट को कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या हो जाए, करंट को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, R plus jXL। और R plus jXL को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस, क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस। तो ये कितना हो जाएगा, I into Z, ठीक है। तो ये वाली एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I into Z। तो ये इम्पीडेंस के अंदर देखा जाए, तो अगर मैं इम्पीडेंस को ले लूँ Z, तो Z के अंदर क्या क्या है, Z इक्वल टू असल में R plus jXL, दैट इज दी Z, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस R plus jXL। अभी तक हमारे जितने भी इम्पीडेंस प्रीवियस सर्किट्स में आए वो सिर्फ और सिर्फ बिना रियल पार्ट के आए थे, एक में jXL हो चुका था और एक में क्या हो चुका था, -jXC हो चुका था कैपेसिटिव सर्किट में। बट यहाँ पे क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों ही है। तो अगर हम लोग देखो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल और इमेजिनरी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मुझे पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो √R² + XL² ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर इसका जो है एंगल निकालना पड़े तो फाई एंगल क्या हो जाएगा, ये फाई एंगल अगर मुझे एंगल निकालना पड़े तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मतलब XL डिवाइडेड बाय R। तो इस तरीके से ये एंगल हो जाएगा। तो क्या मैं इम्पीडेंस को ऐसा लिख सकता हूं, Z इक्वल टू मोड ऑफ Z एंगल फाई, एंगल फाई। तो क्या मैं इम्पीडेंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर चलते हैं हम लोग करंट की तरफ, तो करंट क्या होगा, सपोज करो I इक्वल टू क्या होगा असल में V/Z, I इक्वल टू क्या होगा V/Z, और V असल में टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज तो यही है V जो मैंने माना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा Vm/√2 एंगल, देखो Vm/√2 एंगल cos है तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि cos के साथ में कोई भी एंगल नहीं है, ठीक है, 0 डिग्री। अपॉन Z क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z एंगल फाई। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू, देखो इधर यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, Vm√2 Z, और ये ऊपर चले जाएगा कितना हो जाएगा, -5। अब देखो Vm/Z को क्या बोल सकते हैं हम, Im, Vm/Z को क्या बोल सकते हैं, Im बोल सकते हैं। तो Im/√2 एंगल -5,
तो ये हो गई हमारी करंट की एक्सप्रेशन, किसकी एक्सप्रेशन हो गई, करंट की एक्सप्रेशन, और ये हमारी वोल्टेज की एक्सप्रेशन। वोल्टेज की एक्सप्रेशन भी एक बार मैं लिख देता हूं, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vm बाय रूट टू एंगल 0 डिग्री। अरे बात समझ में, 0 डिग्री। तो हम लोग रेफरेंस किसको ले ले, रेफरेंस ले ले वोल्टेज को, तो करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, -5, इसका मतलब क्या है, लैग कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई लैग्स वी बाय फाइ एंगल, फाइ एंगल से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहां से फेजर भी ड्रॉ कर सकते हैं, फेजर कैसे क्या ड्रॉ हो सकता है इन दोनों में, ठीक है, फाइ एंगल से लैग कर रहा है। अब फेजर के पहले में अगर मैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर निकालूं, तो यहां से एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm Im बाय 2, अभी तक इतना ही था, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos phi। अरे बात समझ में, ये पावर में डिटेल में एक बार और पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए मैं क्या बता देता हूं, Vm Im बाय 2, और इसको क्या कर देंगे, Vm बाय रूट टू, Vm बाय Im बाय रूट टू, तो क्या हो जाएगा, Vrms Irms cos phi। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव पावर Vrms Irms cos phi लिख सकते हैं। बट हमें एक और चीज पता है कि पावर, एक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ किस में ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस में। तो हम क्या एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं P का, कि P इक्वल टू आई स्क्वेयर Rms इंटू R। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला P का बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग Q देखें, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज रिएक्टिव कंपोनेंट, तो Vrms Irms इंटू साइन फाई। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज द रिएक्टिव पावर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और ये क्या इतना हो जाएगा, Vr वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव। तो यहां से अगर हम लोग देखें, तो Q को हम एक और चीज बोल सकते हैं, आई स्क्वेयर Rms इंटू एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में ही क्या होगा, हमारा रिएक्टिव पावर होगा। इसका मतलब जो रियल पार्ट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव पावर, एंड इमेजिनरी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिव पावर। तो इस तरीके से हम लोगों ने RL को एक मैथमेटिकली हम लोगों ने एक डिस्कस किया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो फेजर डायग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, कि ये वाली साइड में रफ कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ पावर वाली, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये रफ करके मैं यहीं से डायरेक्टली अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग। और एक बार इसका फेजर देख लिया आपने तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगे दूसरे सर्क्यूट के फेजर देखना, ठीक है। तो यहां से एक हमेशा एक चीज बता देता हूं, कि फेजर जब भी ड्रॉ होता है तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, और रेफरेंस पॉइंट वो चीज होगी, वो उस चीज को आप रेफरेंस लोगे जो आप कॉमन हो। आरी बात समझ में, दो पैरामीटर के बीच में कॉमन क्या है, यहां पे इन दोनों के बीच में कॉमन देखें तो करंट एक ही जा रहा है दोनों के बीच में। इस वजह से जब भी सीरीज सर्क्यूट का हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, करंट को कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे करंट को अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, करंट को कॉमन ले लेता हूं। तो फेजर ड्रॉ करने के पहले करंट बना देता हूं, करंट आई, ये मैंने ले लिया करंट आई, ठीक है, कॉमन रेफरेंस था, ले लिया मैंने। स्ट्रेट लाइन एकदम से खींच देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आई। अब उसके बाद देखेंगे ये करंट जैसे जैसे इधर गया, ऐसे गया, तो रेजिस्टेंस वी आर और आई, ये करंट यहां जाएगा, करंट यहां, इसने देखा रेजिस्टेंस एलिमेंट, रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वी आर, उसमें करंट कितना जा रहा है आई, और इसके बीच का फेजर तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ड्रॉ किया है। क्या बोलता है कि वी आर और आई क्या होगा, एक ही फेज में होगा, मैग्नीट्यूड हो सकता है अलग अलग हो जाए, बट दोनों फेज क्या होंगे, एक ही फेज में होंगे। तो इस वजह से हम क्या करें, इसी लाइन में हमने क्या कर दिया, इसी लाइन में वी आर को आगे बढ़ा दिया, दैट इज वी आर। आ रही बात समझ में, फिर आगे करंट गया, इस करंट ने देखा फिर क्या, इंडक्टर, और इंडक्टर में हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि VL और I वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और उसमें जो जाने वाला करंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, करंट क्या करता है, लैग करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो वोल्टेज अगर लीड करेगा तो करंट यहां पे है, तो वोल्टेज अगर लीड किया तो वोल्टेज कितना लीड कर जाएगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा, दैट इज दी वोल्टेज VL 90 डिग्री लीड कर जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग फेजर ड्रॉ कर सकते हैं। बट मैं क्या करता हूं कि आपको पता है फेजर मतलब वेक्टर ही तो, असल में वेक्टर की क्या खासियत होती है कि वेक्टर को कहीं से भी उठा के कहीं भी रखा जा सकता है, बट उसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इस एरो को उठा के यहां रखूं तो यहां भी रख सकता हूं, बट एंगल हमेशा वर्टिकली होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें सपोज करें 45 डिग्री है तो इसको उठा के मैं कहीं पे भी रख सकता हूं, बट ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमेशा 45 ही बनाना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस VL को यहां नहीं बनाते हुए मैं कहां बना देता हूं, यहां पे बना देते हैं हम लोग, यहां बना देते हैं, दैट इज VL। आ रही बात समझ में? ठीक है, VL। और कोई पैरामीटर बचा क्या? नहीं बचा। तो हम क्या बोलेंगे कि VA, जो V है हमारा कैपिटल V है, जो टोटल वोल्टेज है, वो क्या है, समेशन ऑफ VR और VL। और हमें पता है समेशन, अगर ट्रेंगल एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा ऐसे जा रहा है तो तीसरा ट्रेंगल लॉ के हिसाब से रिवर्स में क्या आ जाएगा, हमारा नेट वोल्टेज आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज फाई एंगल। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज और करेंट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं आगे चल के। ठीक है, और यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, इंपीडेंस एंगल भी बोल सकते हैं, बट अभी हम लोग कोई ना इंपीडेंस एंगल ना ही, सिर्फ अभी इंपीडेंस एंगल की बात करेंगे, पावर फैक्टर की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे यहां पे। ठीक है, मैंने जस्ट फॉर्मूले जरूर लिख दिए थे पी के साथ VRMS IRMS cos phi, वो cos phi असल में था क्या, पावर फैक्टर था, बट मैं अभी यहां डिस्कस नहीं करूंगा, पावर एंड पावर फैक्टर सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई एंगल हो जाएगा। अब हम भूल जाओ ये मैथमेटिक्स, भूल जाओ अभी मैथमेटिक्स, भूल गए इस वाले डायग्राम को देख के हम लोगों ने ये बना दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रायंगल है आपके पास, अब आपके पास क्या है, एक पूरा पूरा मैथमेटिक्स है, पाइथागोरस यूज करो। पाइथागोरस अगर यूज करना है हमें तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी एल हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस। अब मैं क्या बोलूँ कि अगर मैग्नीट्यूड अगर मुझे पूछा है, वी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना हम लोग, है ना, पाइथागोरस से भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे एंगल अगर पूछे तो एंगल क्या हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे वी एल इज द परपेंडिकुलर और बेस कितना है, वी आर, तो वी आर इज दिस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको टेन को इस साइड लिख दूं तो यहाँ पे फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल, वी एल डिवाइडेड बाय वी आर, VL डिवाइडेड बाय VR। ठीक है गाइस, और यहां से अगर मुझे क्या करना पड़े कि इस VL की जगह क्या लिखना पड़े, टेन इनवर्स VL को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू XL, और इसको लिख सकते हैं I इंटू R, तो II कैंसल आउट हो गया, देखो XL बाय R आ चुका है, सेम फॉर्मूला बन गया वापस से, सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से phi इक्वल टू क्या हो सकता है, टेन इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R, तो XL डिवाइडेड बाय R। अब देखो एक चीज बताता हूं, हमने एक डायग्राम से क्या बनाया, ये एंगल निकाल के ला लेके आ गए, अब इस एंगल से वापस से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मुझे एक और चीज नहीं मिलेगी, इनको रफ कर देता हूं मैं, एक और नई चीज मिलेगी मुझे, वो क्या होगी, एक और नई चीज कि अगर इस वाले एंगल से बनाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखें अगर हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्सेल तो क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर दैट इज एक्सेल, और ये क्या हो गया आर, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा जेड, और एंगल कितना हो जाएगा फाइव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपीडेंस ट्रेंगल, क्या बोलेंगे, इंपीडेंस ट्रेंगल। ठीक है, इंपीडेंस ट्रेंगल। तो इस तरीके से हम लोग ये, और इसमें फर्क क्या है, यहां पे ये हमारा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल यहां पे क्या हो जाता है, पावर फैक्टर का भी रोल यही अदा कर रहा है, और यहां पे आर और जेड के बीच का जो फाई है वो क्या है, इंपीडेंस एंगल भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में पावर फैक्टर और इंपीडेंस एंगल क्या है, बराबर है। देखो गाइस यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको नेटवर्क में, जब आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे तो वहां इंपीडेंस और इंपीडेंस एंगल पावर फैक्टर एंगल में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग तब कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अभी एक ही चीज ध्यान रखना कि यहां पे वी एंड आई के बीच का जो एंगल है दैट इज पावर फैक्टर एंगल ऑफ दी सोर्स, और यहां का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस एंगल। बट लकीली अभी क्या है, हमारे दोनों के दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, अगर हमारे पास
फेजर अप्रोच आता है आपको, तो बहुत सारा कैलकुलेशन देखो बच गया कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है कैलकुलेशन, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फेजर बनाना है। और फेजर भी कैसे बनाया, एक एक कंपोनेंट को लिया और ड्रॉ करते गए और कारवा बनता गया, और इस तरीके से हम लोगों ने फेजर एनालिसिस कर लिया और वहीं से हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल भी लेके आ गए। आपके एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, कौन से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, जो लोग देख रहे होंगे थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, तो उनके लिए इम्पिडेंस ट्रायंगल पूछा जाता है। तो बस आपको पूरा कैलकुलेट करके इम्पिडेंस ट्रायंगल के ऊपर कमेंट करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग आरएल सर्किट को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आरसी सर्किट पे।